नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, सवालात करते हैं। आज हमारे साथ महारानी जिला अस्पताल जगदलपुर से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय डी पाराशर जुड़ जाए। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप हमें बताएंगे कि आंखों की समस्याएं कैसे होती है, कैसे उनके निदान होते हैं और उनके बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। सवालों की शुरुआत भी आपसे करूंगा। सबसे पहले आंखों की देखने की क्षमता में कुछ कमी इस दौर में देखने को मिल रही है, बहुत कम उम्र में आंखों में देखने की क्षमता कम हो जाती है, क्या कुछ इसके पीछे वजह, क्या खान पान एक बड़ा कारण? आपने पूछा आंखों ये जो आंखों में कमी होती है, देखने की रोशनी जो कमी होती है, ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है और बूढ़ों में भी होती है। इसके कई कारण है। जैसे कि बच्चों में आजकल जो डिजिटल एजुकेशन बहुत ज्यादा कोविड के दौर में जो शुरू हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे दिन दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, जिसकी वजह से उनके आंखों में सबसे कॉमन जो होता है वो है ड्राई आई जिसके रहता है, जिसकी वजह से आंखों में सूखापन आता है। आपकी टीयर्स जो रहती है, आंसू, वो अच्छे से नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होता है और उनको थोड़ा ब्लरनेस आता है विजन में। दूसरा सबसे बड़ा कॉमन है बड़ों में या बच्चों में भी, वो है डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज की वजह से पीछे पर्दों में रेटिनोपैथी नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों की शक्ति और रोशनी कम होती है। और जैसे और आगे बढ़े हम, तो 55 साल की उम्र के आगे मोतियाबिंद शुरू होता है, जिसमें शुगर या डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें वो जल्दी डेवलप कर जाता है और उसके बाद से धीरे धीरे वो एज रिलेटेड जिसको बोलते हैं चेंजेस, मोतियाबिंद डेवलप होता है, जिसका हमें ऑपरेशन के द्वारा निदान किया जा सकता है। बाकी खान पान का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, मिनरल्स, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है आंखों के सेहत के लिए। तो अगर बचपन से ही या पहले से ही हमें ये सिखाया जाए कि हमारे शरीर के लिए किस प्रकार की सब्जियां, हरी सब्जियां स्पेशली, और फल फ्रूट्स जो मतलब हमारी सेहत के लिए, आंखों के लिए अच्छे हैं, तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आंखों में लाल होना, आंखों का लालपन या अलग तरह से आंखों का पीला पड़ना, ये तमाम बीमारियां किस कारण होती है, क्या कुछ इसके लक्षण और निदान? जी, आंखों का लाल होना जो सबसे कॉमन, मेरे पास जैसे पेशेंट भी आते हैं तो सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज है वो है कंजंक्टिवाइटिस। हमारे आंखों का एक परत होता है कंजंक्टिवा, जिसमें इन्फेक्शन होता है, वो किसी भी द्वारा हो सकता है, चाहे वो वायरस के द्वारा हो, जैसे अभी कोविड में भी ये कॉमन है, या बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है, या फंगस के द्वारा भी हो सकता है। तो ये लालपन होने की वजह से आंखों में दर्द होना, पानी आना, डिस्चार्ज आना, चाहे वो पस की तरह डिस्चार्ज हो या वाटरी की तरह डिस्चार्ज हो, ये बहुत कॉमन कारण। इसके अलावा बहुत सारे मजदूर जो काम करते हैं, जैसे ग्राइंडर मशीन में वगैरह, मैं वही कंडीशन ज्यादा फोकस करूंगा जो सामने हमारे यहाँ पे, हमारे क्षेत्र में जिस जो पेशेंट आते हैं, फॉरेन बॉडी, जैसे कि लोहे का पीस ग्राइंडर से टूट के आंखों में जाना, जिसकी वजह से लालपन होता है, या कॉर्निया में अल्सर बनने के कारण हो सकता है, या और थोड़ा सा आंख के भीतर जाए तो एंटीरियर यूवेटिस नामक बीमारी होती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि आंखों का पीलापन होना, पीलापन जिसको हम बोलते हैं इक्टियस, जो कि हमारे बॉडी में जिसमें पीलिया नामक जो बीमारी होती है उसमें हमारे आंखों का पीलापन होता है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल है कि आंखों में धुंधलापन होना, नजर स्पष्ट कुछ भी चीज नहीं आना, अक्सर ऐसा होता है, क्या कुछ इसके पीछे कारण है, क्या इसका उपचार? जी, अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे इसके कारण हैं। सबसे पहले खान पान की कमी, जिसके जैसे बच्चों में माल न्यूट्रिशन जो होता है छोटे बच्चों में, तो जिसके वजह से विटामिन ए की कमी होने की वजह से बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोला जाता है रात में कम दिखाई देना। इसके अलावा आंखों में सूखापन आना, जिसको होते ड्राई आईज। इसके अलावा कैटरेक्ट की वजह से कम दिखाई देता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर डायबिटीज की बीमारी है, या अगर हमें हाइपरटेंसिव डायबिटिक दोनों है, तो जिसकी वजह से पीछे जो हमारी नसें होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी आंखों में
दिखाई कम देता है। इसके अलावा कभी केमिकल इंजुरी की वजह से कम दिखाई दे सकता है, अगर या कोई ट्रॉमा हो जैसे चोट लगने की वजह से, आंखों में डैमेज होने की वजह से। इसके अलावा काला मोती करके भी एक बीमारी आती है जो जी बहुत कॉमन है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लॉकोमा, जिसमें आंखों का जैसे हमारे शरीर का प्रेशर, बीपी बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर, वैसे आंखों का इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है जो कि नॉर्मल 10 से 20 होता है। अगर वो ज्यादा होता है तो हमारे पीछे की जो नस है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जिसमें हमारी पूरे चित्र बनते हैं, उसमें डैमेज होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी नजर कमजोर हो जाती है। जी ठीक है। मोतियाबिंद का क्या कुछ लक्षण होते हैं, किस तरह से इसका उपचार होता है और क्या इसका ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है? जी मोतियाबिंद बच्चों में भी होते हैं, जैसे कि मैं एज वाइज आपको बताऊंगा। जी जैसे बच्चे पैदा हुए तो उस मोतियाबिंद को बोलते हैं कंजिनाइटल कैटरेक्ट, थोड़ा बड़े हुए और बीच में डेवलप होता है उसको डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, और सबसे कॉमन जो होता है उसे कहते हैं एज रिलेटेड कैटरेक्ट, जो कि 55 साल के ऊपर बुजुर्गों में होता है। अब इसमें क्या होता है कि कैटरेक्ट बहुत सारे जगह पे बहुत स्लो डेवलप होता है, बहुत स्लोली स्लोली। तो इसके हैं एक तो धुंधला दिखना, सामने से अगर रोशनी आती है तो वो चमकना, रात में हम अगर चांद को देखें तो मल्टीपल चांद दिखाई देना, बहुत सारे मतलब एक चांद नहीं दो दिन। क्यों? क्योंकि जब रोशनी आती है हमारी आंखों की जो नॉर्मल लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल इमेज दिखते हैं। जी इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता जाता है अपने आप धीरे धीरे नजर कमजोर होती जाती है, जी और एक बार जब ये मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है तो हमें सिर्फ रोशनी दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन ऑफ लाइट। और इसका इलाज है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इलाज इसका सर्जिकल है, जिसके इसमें हम लोग एसआईसीएस करके तकनीक होता है, या फेकोमल्सिफिकेशन या फेम्टोसेकेंड लेजर से हम लोग कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम नेचुरल लेंस जिसमें कैटरेक्ट हो गया है उसको हम निकाल के उसकी जगह आईओएल इंट्राऑक्युलर लेंस जिसे कहते हैं उसे हम प्लेस करते हैं, जिससे पेशेंट का विजन काफी क्लियर हो जाता है। इसमें काला मोतिया या आँख का दवा आपने बता ही दिया मुझे, इसके आगे मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या ऑपरेशन के बाद में मोतियाबिंद से पूरी तरह राहत मिल सकती है या भविष्य में आगे भी कोई और समस्या खड़ी हो सकती है? मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पूछना चाह रहा था। जी बहुत मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काफी पेशेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी रोशनी उसकी वापस आ जाती है, जी अगर उसके पीछे के रेटिना में, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो है कैटरेक्ट, जो जी हमारे लेंस पे लेंस को मतलब कैटरेक्ट लेंस को रिमूव करके उसकी जगह हम दूसरा इंट्राऑक्युलर लेंस आर्टिफिशियल लेंस प्लांट करते हैं। तो अगर आपके रेटिना में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी आपको पूरी तरीके से जैसे आपकी रोशनी पहले थी वो वापस आ जाएगी, लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया था डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में या काला मोती में ऑप्टिक नर्व जो होता है हमारा उसके डैमेज के बारे में, तो जो नजर हमारी मोतियाबिंद की वजह से गई है और ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल वापस आ जाती है, लेकिन अगर हमारे रेटिना में डैमेज है पीछे जिसको हम पर्दा बोलते हैं तो वो नजर नहीं आ पाती है। इसके अलावा लेकिन बहुत मैक्सिमम केसेस में नजर बिल्कुल पहले की तरह आ जाती है। और इसके अलावा कभी कभी हमारे पेशेंट का ये भी शिकायत होता है कि काफी साल बाद थोड़ा धुंधलापन आ गया है, जिसको हम बोलते हैं मोतिया के बाद एक पीछे एक और लेयर आता है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर ऑब्ट्रूसिव फ्यूजन, मतलब मोतिया के बाद लेंस के पीछे फिर से मोतिया आ रहा, लेकिन इसका भी हमारे पास इलाज है। हम लेजर के द्वारा उस लेंस के पीछे का जो मोतिया आता है उसको हम क्लियर करते हैं और वापस से पेशेंट की नजर पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है। कोरोना के संक्रमण काल में कुछ बीमारियां ऐसी आई थी जो आंख से भी ताल्लुक रख रही थी, आंख को प्रभावित कर रही थी, क्या ये बीमारियां आंख को वाकई प्रभावित करती हैं और अगर करती हैं तो किस हद तक आंखों का खराब होने की इसमें संभावनाएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया जिससे हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जी कोविड में आंखों की सबसे कॉमन, जैसे मैंने आपको बोला कंजंक्टिवाइटिस जो बहुत कॉमन है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस होना जिसमें आंसू निकलना, इसके अलावा डिस्चार्ज निकलना, पस जैसा डिस्चार्ज निकलना या वॉटरी डिस्चार्ज निकलना, इसके अलावा रेडनेस होना आंखों में, ये सबसे कॉमन है जिसमें नजर परमानेंट डैमेज होने का बहुत कम चांस है,
लेकिन हम जैसे आंखों के और अंदर जाते हैं तो कोविड की वजह से कम पेशेंट में, ज्यादा नहीं, काफी कम पेशेंट में एंटीरियर यूवेटिस करके बीमारी होती है जिसकी वजह से बिल्कुल परमानेंट डैमेज होने के चांसेस हैं। उसके पीछे हम अगर पर्दा में गए, क्योंकि कोरोना में आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में थ्रोम्बोटिक इवेंट होता है जिसमें जैसे ब्लड क्लॉट वगैरह नसों में भर जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है कोई भी बॉडी के एरिया की, तो वैसा पीछे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी या वेन ऑक्लूजन जैसी बीमारी या हमारा ऑप्टिक नर्व है उसमें वायरस में ऑप्टिक न्यूराइटिस नामक बीमारी या न्यूरो रेटिनाइटिस नामक बीमारी, ये अगर होता है तो उसमें बिल्कुल परमानेंट डैमेज होने की पूरी तरह संभावना है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में। कंजंक्टिवाइटिस सबसे कॉमन है कोविड में, जिससे हमें कभी कभी ये भी जानकारी होती है कि पेशेंट को कोरोना का या कोविड का जांच कराना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को कोविड हुआ था या अभी उस दौरान है कोविड। डॉक्टर अक्षय, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के लिए आंखों का ध्यान रखना कितना जरूरी हो जाता है और ये बीमारियां क्या आंखों को भी प्रभावित करती हैं? बिल्कुल, बहुत, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, वेरी बहुत कॉमन सवाल है ये। बिल्कुल, बीपी और डायबिटीज से हमारी आंख के पर्दे में काफी डैमेज आता है। जैसे कि अगर हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं है और हमने उसमें लापरवाही बरती और कंट्रोल में नहीं रखी, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक बीमारी आती है जिसमें पेशेंट का जो केंद्र बिंदु होता है जिसे हम मैक्यूला बोलते हैं, उसमें सूजन आना या हमारी जो पीछे नसें होती है उस नसों में क्लॉट जमा, उस नसों में डैमेज होना जिसकी वजह से पीछे के पर्दे में ब्लीडिंग होना, बहुत सारे मल्टीपल हेमरेज जिसको ब्लीडिंग बोलते हैं, सडनली पेशेंट की नजर भी जाती है जिसको बोलते हैं विट्रस हेमरेज, और शुगर में हमारे जब शुगर हाई रहती है तो उस वक्त थोड़ा ट्रीटमेंट करने में भी दिक्कत होता है इस वजह से। और रही बात ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर और शुगर अगर दोनों साथ में है तो एक एडिटिव इफेक्ट करता है आंखों को डैमेज के लिए, तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शुगर और बीपी कंट्रोल रहे और रेगुलर, कम से कम शुगर के पेशेंट रेगुलर 6-6 महीने में नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा अपने रेटिना का एग्जामिनेशन करें। इसके अलावा बीपी में जो ब्लड वेसल्स ऑक्लूजन होता है जैसे कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन या पीछे पर्दे में जो केंद्र बिंदु है उसमें सूजन आना और डैमेज होना, तो ये सब बातों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और जैसे जैसे समय बीतता पेशेंट का शुगर, शुगर जैसे पेशेंट को अगर 10 साल से शुगर है और अनकंट्रोल है तो उसमें डैमेज ज्यादा होगा, अगर कंट्रोल रहेगा तो डैमेज कम रहेगा, तो हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए और जहाँ ट्रीटमेंट लगे वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। डॉक्टर अक्षर, क्योंकि देश के तमाम ऐसे बड़े शहर है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, राजधानी दिल्ली, नोएडा, तमाम ऐसे शहर जहाँ पर वहाँ की हवा, वहाँ की वायु की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो क्या ये हवा, ये वायु क्या आंखों को प्रभावित करती है और अगर करती है तो क्या कुछ सावधानी हम बरतें? जी बिल्कुल, पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है जिसकी वजह से मतलब हमारे बहुत सारे जो फ्यूम्स होते हैं वो हमारे आंखों को डेफिनेटली डैमेज करती है, क्योंकि हमारा आंख एक्सपोज्ड एरिया है। हम जब बाहर बाइक में जाते हैं तो ये महसूस करते हैं कि धूल मिट्टी हमारे आंख में जा रही है जिसकी वजह से बहुत कॉमन, जिसमें एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है, जिसमें एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस होना जिसकी वजह से रेडनेस होता है, आंखों में इचिंग होती है, इसके अलावा आंखों में और भी कॉर्निया में डैमेज होने की संभावना है। इससे बचने का इलाज है कि आप सबसे पहले तो मुझे ऐसे बोलना है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जितना कम हो सके हम उतना पोल्यूशन कम करें, खुद हर एक इंसान अगर सुधर जाएगा मेरे हिसाब से इस चीज में, बिल्कुल, कि हम खुद पोल्यूशन कम करें तो जिसकी वजह से एनवायरमेंट भी हमारा सेफ रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटली हमें, अगर हम ओपनली जा रहे हैं तो हम ड्राइविंग गॉगल पहन सकते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखें पूरी कवर रहे। इसके अलावा हमारे पास लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या एंटी एलर्जिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, पर मेन हमारा यही फोकस होना चाहिए कि हम जो हमारा बेसिकली जो कॉज है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है उसमें हम खुद भी साथ दें, सरकार को और सभी लोगों का, कि पॉल्यूशन जितना कम हो सके करें।
डॉक्टर, चूंकि कुछ बच्चों में अनुवांशिक रूप से चश्मा लगाने की आंखों में कमजोरी की शिकायतें सामने आती है, लेकिन कुछ लोगों में अचानक ही एकाएक आंखों में दर्द होने लगता है, देखने की क्षमता कम हो जाती है, उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है, तो ऐसे में किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, क्या सावधानियां बरतें, खान पान में किन चीज़ों को शामिल करें अपनी डाइट में ताकि आंखों में चश्मा लगाने की नौबत का सामना ना करना पड़े, खासकर छोटे बच्चों को? जी बिल्कुल, पहली चीज तो बहुत बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा हो गया है चश्मा लगाना, क्योंकि उनकी नजर काफी कमजोर हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी डिजिटल एजुकेशन में बहुत ज्यादा बच्चे ध्यान भी दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसमें बच्चों के माँ बाप हैं, उनको अवेयर रहना चाहिए कि बच्चों को अगर हम सपोज स्कूल में हैं और ब्लैक बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें टीचर्स बहुत मदद करते हैं ये जानकारी देने के लिए, और रेगुलर चेकअप करना चाहिए। बच्चों को सबसे कॉमन जो दूर का नजर में प्रॉब्लम होता है उसे बोलते हैं मायोपिया, जो जिसमें दूर की दृष्टि कम हो जाती है, और दूसरा होता है जिसमें प्लस जिसमें बेसिकली इसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए बच्चों के, क्योंकि अगर आप बच्चों को चश्मा लगा है और उसे अगर ब्लैकबोर्ड में नहीं दिख रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी कम हो जाता है। तो हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, और जो भी नंबर है वो हमें डेफिनेटली बच्चों को जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे उसको रेगुलर लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि अम्ब्लायोपिया करके कंडीशन आती है, अगर बच्चों को चश्मा है और अगर बच्चे चश्मा नहीं पहनते हैं तो उनकी नजर परमानेंटली कम हो सकती है, तो आने वाले समय पे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। दूसरा, जैसे कि आपने पूछा खान पान में हमें क्या ध्यान देना चाहिए, खान पान में सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी सब्जियां हैं जितने फाइबर्स होते हैं वो खाना चाहिए। इसके अलावा ऑरेंज चीजें जैसे कि हमारे पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरे हो गए, ये सब हमें खाना चाहिए जितना हो सके हमें जो हरी सब्जियां हैं, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा विटामिन मिनरल्स है, वो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है रेगुलर चेकअप, अगर चेकअप करते हैं, रेगुलर चेकअप करने की वजह से बहुत सारी चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, और बहुत जल्दी बीमारी अगर जल्दी समझ में आए तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से हो पाता है। जी ठीक है, एक और अहम सवाल आपसे लूंगा, चूंकि डॉक्टर अक्षय, इन दिनों देखने में आता है कि आजकल फैशन के दौर में कुछ आजकल के युवा युवतियां फैंसी चश्मा जो है वो लगा लिया करते हैं, धूप से बचने के चश्मे के अलावा भी और जो चश्मे होते हैं वो लगाने लगते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, तो क्या वो सही है, और अगर लगाना सही है तो और कैसे हम चश्मों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखिए, जो बेसिकली जो आजकल बहुत सारे टाइप के ग्लासेस आते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस लगाने से कोई नुकसान होगा, ये नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लेके ही कोई सा जो भी ग्लास यूज करें चश्मे में वो बिल्कुल उनकी सलाह लेके करें। इसमें बहुत सारे अच्छे ग्लास आते हैं, जैसे ब्लू कट ग्लास आता है जो कि हमें यूवी रेडिएशन जो आता है हमारे कंप्यूटर में बैठने के लिए, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में के लिए ग्लासेस आते हैं, वो हमें यूज करना चाहिए। अगर किसी का आउटिंग या अगर बाहर का फील्ड वर्क है तो वो सन ग्लासेस पहन सकते हैं, जैसे कि अगर वो धूप में जाते हैं तो वो काला हो जाता है, और अगर अगर घर में बैठते हैं तो वाइट हो जाता है, तो उनका दोनों काम हो जाता है, सन ग्लास का भी काम हो जाता है और अंदर रूम में भी काम हो जाता है। इसके अलावा जो चश्मे हैं, बिल्कुल चश्मा जो फैंसी चश्मा है उसमें क्वालिटी बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि उससे भी ग्लास की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपका विजन बेटर रहे। जी मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, चूंकि बच्चे अक्सर बाहर जब खेलते हैं या धूल में खेलते हैं तो आंखों में कुछ उनके कचरा चला जाता है या कुछ रेत का कण चला जाता है, तमाम चीज़ें जो हैं आंखों में चली जाती है, उससे आंखों में लालपन तो होता ही साथ में दर्द भी होता है, तो क्या इन चीज़ों की अनदेखी करके आंखों में कोई गंभीर समस्या हो सकती है आने वाले वक्त में? जी अगर बिल्कुल, ये मेरे यहाँ भी पेशेंट बहुत आते हैं हमारे महाराणा हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में ऐसे पेशेंट, तो ऐसे समय पे अगर किसी बच्चे के आंख में कुछ चला गया तो सबसे पहला हमारे जो उनके माता पिता है उनको ये समझाना है कि कभी भी आंखों को रगड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो वो कण होता है अगर उसको रगड़ा जाएगा तो आंखों की जो कॉर्निया की परत होती है वो उसमें और ज्यादा डैमेज हो जाता है। दूसरा, हमें तुरंत पानी या कोई भी नॉर्मल सलाइन अच्छा पानी से हमें आंख को वॉश कर लेना है, उसे आंखों को मतलब मलना नहीं,
उसके बाद जो भी नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ हो उनके पास जाना है और उसके बाद जो भी उनके परामर्श है, जो ट्रीटमेंट रहता है उसको पूरा करना है। हाँ, डेफिनेटली ये बात सही है कि अगर आप सही वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं लिए और घर पे रहे और अपने मन से कोई बाहर से ली हुई खुद की सलाह से, जैसे बहुत सारे जगहों पे होता है खुद की सलाह से ड्रॉप यूज कर लेते हैं, तो परमानेंटली डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस। एक सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ है, वो मेरा ये कि आजकल महिलाओं में, युवतियों में आंखों में कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, काजल, तमाम चीज़ें जो हैं वो लगाने का आजकल फैशन चल रहा है, शौक भी है और लगाना भी चाहिए, क्या ये आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी प्रकार का केमिकल, अगर वो चीज़ कोई भी प्रकार का केमिकल अगर आंख में जाएगा, either any form of cosmetic, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कॉस्मेटिक खराब है या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सब टेस्टेड होते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे कंपनी के होते हैं, बहुत अच्छे चीजें होती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि कोई भी प्रकार का केमिकल अगर आंखों में जाता है तो बिल्कुल उसका नुकसान आंखों में होता है। तो कभी भी कोई भी चीज यूज करने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले लें और ये जान लें कि वो आंखों, क्या उसका आंखों में कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, या अपने डॉक्टर की इस बारे में सलाह ले लें। ठीक है डॉक्टर अक्षय, एक और अहम सवाल, चूँकि जब रात में हम अक्सर ड्राइव करते हैं खासकर ठंड के दिनों में, तो सामने से जब हैवी व्हीकल आता है या कोई ट्रक की स्ट्रीट लाइट आती है, ट्रक की बड़ी लाइट आती है जो कि हाईवे में आती है जहां पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है, वहां पर अक्सर रोड को पे वाहन को क्रॉस करते वक्त, क्रॉस करने के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सामने सिर्फ लाइट हो जाती है, सामने सफ़ेदपन छा जाता है, वो क्यों आता है और क्या कुछ उसके पीछे दिक्कत होती है कि हमें आने वाले वक्त में कोई हादसे का शिकार ना हो, उसके लिए क्या एहतियात बरते जाएँ? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के बीच में बहुत ज्यादा, तो स्पेशली ये ड्राइवर्स में, ड्राइवर्स जो सबसे ज्यादा ड्राइविंग करते हैं या घर के भी, हम लोग भी कभी ड्राइविंग करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम पहले व्हीकल चलाने वालों को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो जो प्रॉपर हम रूल्स है रोड ट्रैफिक का, उसे फॉलो किया जाए। अपर में आप सिंपल से ज्यादा अगर अपर में चलाएंगे तो आपके आंखों में डायरेक्टली रोशनी आएगी, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो हम ये चीज को पहले फॉलो करें कि गाड़ी को एक दूसरे के सामने डिपर में चलाए। दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी आंखें खुली रहती है और एसी चलता रहता है या बाहर से हवा आती रहती है, जिसकी वजह से हमारे आंखों में काफी ड्राइनेस आता है, हम ब्लिंक कम करते हैं क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन से गाड़ी चलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट है जिनको सफर जो कैटरेक्ट जिनको होता है मोतियाबिंद, तो जब सामने से लाइट आती है तो वो रोशनी फैल जाती है। या इसके अलावा वो पेशेंट बहुत कॉमन है जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा चुके हों, जो चश्मा उतारने की जो सर्जरी करा चुके हों, उनको भी जिसे बोलते हैं ग्लेयर्स और हेलोज आना, मतलब जैसे चमकता है लाइट, तो इन सबसे एक तो आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज कर सकते हैं इसमें जी। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला, ये चीज हम लोगों पे भी निर्भर है कि हम गाड़ी ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली फॉलो करें, और दूसरा हो सके तो अपने डॉक्टर से चेकअप करा लें कि अगर आंख में ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है तो कहीं आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और उसका ट्रीटमेंट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्षय डी पारेश्वर हमसे जुड़ने के लिए, सेहत तमाम में शामिल होने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।